सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट की, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4। हिंदी में इसे लाल दवा भी कहा जाता है, क्योंकि मेडिकल की फील्ड में इसके कई यूजेस हैं। तो इस वीडियो में हम इसके यूजेस भी देखेंगे और साइड इफेक्ट के बारे में भी बात कर लेंगे, और ये कैसा होता है और इसका क्या प्राइस है, कहाँ से आपको मिलेगा, ये सारी चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हो, ये 10 ग्राम्स है और ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में होगा, यानी दाने की तरह होगा ये। और इसके अंदर से आप ये देख सकते हो, ये है हमारा पैकेट। इसे मैं ओपन करता हूँ। इसके कुछ दाने मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, वाइट कलर पे ज़्यादा आपको क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ इसके ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, और इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर है, पानी है, उसको कलर करने के लिए काफ़ी है। मैं करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास बॉयलिंग ट्यूब है, मैं इसके अंदर वाटर डालता हूँ, उसके बाद आपको शो करता हूँ। तो यहाँ मैंने पानी फिल कर लिया है। अब इसमें मैं एक क्रिस्टल सिर्फ डालूंगा, एक छोटा टुकड़ा। ये आप देख सकते हो, सिर्फ एक इसका पार्टिकल है, छोटा सा एक टुकड़ा है। इसे मैं पानी के अंदर डालूंगा और आप देख सकते हो ये कितनी तेजी से डिसॉल्व हो रहा है, इसका कलर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं इसे ग्लास रॉड की हेल्प से डिसॉल्व करता हूं, और ठीक है, देख सकते हो ये रंग ऊपर की तरफ कलर आ रहा है, ठीक है। इसके बेस में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बेस में इसके कलर ज्यादा है और ऊपर की तरफ कम है, लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और कुछ टाइम के बाद ये पूरी जगह यूनिफॉर्म हो जाएगा, एक ही जैसा पूरा कलर हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हो, ये लगभग यूनिफॉर्म हो चुका है, एक जैसा कलर पूरा हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ज्यादा है और अभी टाइम और लेगा इसमें और बराबर हो जाएगा ये। खैर, तो अब समझ गए होगे, एक छोटा टुकड़ा हमने डाला और ये इतना ज्यादा एक कलरफुल हो गया। इसके यूजेस की अगर हम बात कर लें तो इंडस्ट्री वगैरह के अंदर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, क्योंकि आप फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था KMnO4, यानी ऑक्सीजन के 4 एटम्स अटैच हैं, तो ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है। और वाटर वगैरह क्लीन करने के लिए इसे यूज किया जाता है, जैसे कुएं वगैरह के अंदर इसको डाल दिया जाता है ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाए। स्किन प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे एथलीट फुट हो गया, और ये एक फंगल डिजीज है जो अक्सर हो जाता है पैरों के अंदर, पैरों की उंगलियों के बीच में, या जो बहुत ज्यादा शूज वगैरह पहने रहते हैं उनके पैरों में ये हो जाता है प्रॉब्लम, तो उसे ठीक करने के लिए इसे यूज किया जाता है। आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जैसे एम्पेडिको, उसे क्योर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे यूजेस हैं। जो भी मैंने आपको यूजेस बताए, ये सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, और अगर किसी मेडिकल पर्पज के लिए आपको यूज करना है तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे ये इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन भी आपको दे सकता है, जलन सी होने लगेगी, स्किन लाल भी हो सकती है, और ये पॉइजनस होता है। तो इसे वैसे भी एक्सपेरिमेंट करते टाइम, यूज करते समय बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर गलती से आपने इसे इनहेल कर लिया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो प्राइस आप देख सकते हो यहां पर, ये लिखा है 20 रुपीज, 10 ग्राम्स है, 20 रुपीज का है। इसकी पैकिंग हुई थी अक्टूबर 2020 में और इसकी एक्सपायरी है सितंबर 2022 में। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, मैंने भी मेडिकल स्टोर से लिया था, ठीक है, क्योंकि मेडिकल पर्पज के लिए यूज होता है, तो किसी भी आपको मेडिकल स्टोर पे ये आसानी से मिल जाएगा, ओके। तो ये था आज की इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा, ओके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।